डाकुओं के भय से फूलमणि दौड़ती हुई दुर्लभ के पीछे पीछे भागी थी, परंतु दुर्लभ को अपने प्राणों की पड़ी थी। वह फूलमणि की क्या चिंता करता, फूलमणि जितना चिल्लाती थी उतना ही दुर्लभ और तेज भागता था। कांटों भरे जंगल में दुर्लभ दौड़ा तो उसकी धोती ढीली हो गई और एक पैर कीचड़ में फंस गया। फूलमणि चिल्लाई, अरे नीच, एक स्त्री को जंगल में लाया और अब डाकुओं को सौंप कर भाग रहा है। यह सुनकर दुर्लभ और जोरों से भागा। थक हार कर फूलमणि रोने और दुर्लभ को गाली देने लगी। कुछ देर में फूलमणि ने देखा वहां ना तो डाकू थे और ना ही दुर्लभ। कुछ देर बैठकर सोचने के बाद वह जंगल से बाहर निकल आई। पालकी खाली थी, वहां किसी को ना पाकर वह घर की ओर चल पड़ी। दिन निकलने पर वह घर पहुंची। फूलमणि चुपचाप द्वार बंद करके सो गई। उसकी बहन ने आकर उसे जगाया और पूछा, क्यों री, तू अभी आई है क्या? फूलमणि, क्यों, मैं कहाँ गई थी? अलकमणि, जाएगी कहाँ, ब्राह्मण के घर गई थी, इतनी देर में क्यों लौटी, मैं यह पूछ रही हूँ। फूलमणि, तू तो अंधी है, सवेरे तेरे सामने यहाँ आकर सोई थी, तूने देखा नहीं था क्या? अलकमणि, मैं सवेरे से 3 बार ब्राह्मण के घर जाकर देखा ही हूँ, वहाँ कोई ना मिला, बता प्रफुल्ल कहाँ है? फूलमणि, चुप दीदी चुप, वह सब मत पूछ। अलकमणि, क्यों, क्या हुआ? फूलमणि, हमें ब्राह्मण देवताओं के कामों से क्या मतलब? अलकमणि, यह क्या कह रही है तू? फूलमणि, किसी से कहना मत, कल उसकी माँ आकर उसे ले गई। अलकमणि, हैं, उसकी माँ आकर उसे ले गई? फूलमणि ने एक कहानी गढ़ी कि प्रफुल्ल के बिछावन पर उसने उसकी माँ को देखा था। फिर कमरे से आंधी उठी और वहाँ कोई दिखाई ना दिया। उसने अपनी बहन से मना कर दिया कि वह यह सब किसी से ना कहे। उधर सवेरे उठकर प्रफुल्ल ने सोचा कि अब वह कहाँ जाए, सोचा घर लौट जाए, परंतु वहाँ से डाकू फिर उठा ले जाएंगे और वह धन कैसे ले जाए। लोगों से उठवा कर ले गई तो बात फैलेगी। बहुत कुछ सोचकर प्रफुल्ल ने वहीं रहने का निश्चय किया। उसके लिए दुर्गापुर और जंगल में कोई अंतर ना था। यह निश्चय कर प्रफुल्ल घर के काम पर जुड़ गई। घर में झाड़ू लगाई, फिर रसोई बनाने का प्रबंध करने लगी, परंतु बनाए क्या, हांडी में चावल दाल आदि कुछ भी ना था। प्रफुल्ल एक मोहर लेकर बाजार की खोज में निकली। प्रफुल्ल बड़ी साहसी लड़की थी, वह एक पगडंडी पर चल पड़ी। जंगल में उसकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण रामनामी ओढ़े था, उसके मस्तक पर तिलक था। वह प्रफुल्ल को देखकर बोला, कहाँ जाओगी माँ? प्रफुल्ल, मैं बाजार जाऊंगी। ब्राह्मण, इधर बाजार का मार्ग कहाँ है? प्रफुल्ल, तब फिर किधर है? ब्राह्मण, तुम कहाँ से आ रही हो? प्रफुल्ल, इसी जंगल से। ब्राह्मण, इस जंगल में ही तुम्हारा घर है? प्रफुल्ल, हाँ। ब्राह्मण, फिर भी तुम बाजार का रास्ता नहीं जानती? प्रफुल्ल, मैं नई आई हूँ। ब्राह्मण, इस जंगल में स्वयं तो कोई आता नहीं, तुम कैसे आई? प्रफुल्ल, आप मुझे बाजार का रास्ता बता दीजिए। ब्राह्मण, बाजार जाने में 1 प्रहर लगेगा, तुम अकेली ना जा पाओगी, चोर डाकुओं का भय रहता है, तुम्हारा और कौन है? प्रफुल्ल, कोई नहीं। ब्राह्मण कुछ देर प्रफुल्ल का मुख देखकर बोला, तुम अकेली बाजार मत जाओ, विपत्ति में पड़ जाओगी। यहाँ मेरी एक दुकान है, यदि इच्छा हो तो वहाँ से चावल दाल खरीद लो। प्रफुल्ल बोली, ठीक है, परंतु आप तो पंडित मालूम होते हैं। ब्राह्मण, पंडित अनेक प्रकार के होते हैं, तुम मेरे साथ आओ माँ। ब्राह्मण प्रफुल्ल को अपने साथ लेकर घने जंगल में गया। प्रफुल्ल डरी, तभी सामने एक कुटी दिखाई दी। कुटी का ताला बंद था। ब्राह्मण ने ताला खोला। प्रफुल्ल ने देखा दुकान नहीं थी, फिर भी हांडी भर चावल दाल नून तेल थे। ब्राह्मण बोला, तुम जितना ले जा सको ले जाओ। प्रफुल्ल आवश्यकता अनुसार लेकर बोली, इनका दाम कितना हुआ? ब्राह्मण, 1 आना। प्रफुल्ल, 1 आना तो मेरे पास नहीं है। ब्राह्मण, रुपया है? लाओ, बाकी पैसे वापस कर दूंगा। प्रफुल्ल, मेरे पास रुपया भी नहीं है। ब्राह्मण, तब बाजार क्या लेकर जा रही थी? प्रफुल्ल, 1 मोहर है। ब्राह्मण, लाओ देखूं। प्रफुल्ल ने मोहर दिखाई। ब्राह्मण ने मोहर देखकर लौटा दी। वह बोला, मोहर बुनाने लायक रुपए मेरे पास नहीं है, चलो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं, मुझे पैसे दे देना। प्रफुल्ल, मेरे घर में भी पैसा नहीं है। ब्राह्मण, तो सभी मोहरे हैं, खैर चलो देखाऊं, जब पैसा होगा तब देना, मैं जाकर ले आऊँगा। सभी मोहरे हैं, यह बात प्रफुल्ल को भली ना लगी। उसने समझा कि यह चतुर ब्राह्मण समझ गया कि उसके पास बहुत सी मोहरे हैं, इसलिए उसका घर देखने जाना चाहता है।
प्रफुल्ल सब चीजें वहीं रखकर बोली, मुझे बाजार ही जाना होगा, कुछ कपड़ों की भी आवश्यकता है। ब्राह्मण हंसकर बोला, माँ सोचती हो तुम्हारा घर देखकर मैं तुम्हारी मोहरे चुरा लूंगा? क्या बाजार जाकर मुझसे बच पाओगी? मैं पीछा ना छोड़ूंगा तो क्या करोगी? प्रफुल्ल कांपने लगी। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारे साथ छल ना करूंगा, मैं डाकुओं का सरदार हूँ, मेरा नाम भवानी पाठक है। यह सुनकर प्रफुल्ल को काट मार गया। भवानी पाठक का नाम उसने दुर्गापुर से सुना था, वह विख्यात डाकू था। उसके भय से सारी वारेंद्र भूमि कांपती थी। प्रफुल्ल कुछ ना बोली। भवानी बोला, विश्वास का हो तो देखो। यह कहकर वह एक नगाड़ा लाया और उस पर चोटे की। एक क्षण में लगभग 50 जवान वहां आ गए। वे बोले, क्या आज्ञा है सरदार? भवानी बोला, इस लड़की को पहचान लो, इसको मैंने माँ कहा है, तुम सब भी इसे माँ कहना और माँ की ही तरह मानना, इसका कोई अनिष्ट ना हो, बस जाओ। यह सुनते ही डाकुओं का दल लुप्त हो गया। प्रफुल्ल आश्चर्यचकित रह गई है। वह समझ गई कि अब उसकी शरण के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। वह बोली, चलिए आपको अपना घर दिखा दूँ। सब सामग्री उठाकर वह आगे आगे चली, उसके पीछे पीछे भवानी पाठक चले। उस टूटे घर में पहुंचकर प्रफुल्ल ने बोझा उतारा और भवानी ठाकुर को सादर बिठाया। भवानी पाठक बोले, इसी टूटे घर में तुम्हें ये मोहरे मिली थीं? प्रफुल्ल, जी हाँ। भवानी, कितनी मोहरे मिली? प्रफुल्ल, बहुत। भवानी, ठीक से बताओ कितनी हैं? मुझे धोखा दोगी तो हमारे आदमी यहाँ आकर सब खोद देंगे। प्रफुल्ल, 20 घड़े। भवानी, यह धन लेकर तुम क्या करोगी? प्रफुल्ल, अपने घर ले जाऊंगी। भवानी, इन्हें तुम रख सकोगी? प्रफुल्ल, यदि आपकी सहायता पाऊँ तो। भवानी, इस वन पर मेरा अधिकार है, इसके बाहर मेरी शक्ति नहीं है। इन्हें वन के बाहर ले जाने पर मैं तुम्हारी रक्षा ना कर पाऊंगा। प्रफुल्ल, तब मैं इस जंगल में ही रहूंगी, आप मेरी रक्षा करेंगे ना? भवानी, करूंगा, परंतु इतना धन तुम करोगी क्या? प्रफुल्ल, लोग धन लेकर क्या करते हैं? भवानी, भोग करते हैं। प्रफुल्ल, मैं भी भोग करूंगी। भवानी ठाकुर सुनकर हंस पड़े। प्रफुल्ल लज्जित हो गई। भवानी बोले, माँ बच्चों जैसी तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आ गई। अभी तुमने कहा तुम्हारा कोई नहीं है, फिर तुम किसके साथ भोग करोगी? अकेले के ऐश्वर्य भोगा जाता है? प्रफुल्ल ने सर झुका लिया। भवानी बोले, सुनो, कुछ लोग ऐश्वर्य पाकर भोग करते हैं, कुछ पुण्य संचय करते हैं और कुछ नरक का रास्ता बनाते हैं। तुम भोग नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा कोई नहीं है। या तो तुम पुण्य संचय कर सकती हो या नरक का मार्ग बना सकती हो। बोलो, तुम्हें कौन सा रास्ता पसंद है? प्रफुल्ल बोली, ये बात तो डाकुओं के सरदार जैसी नहीं है। भवानी, नहीं, मैं केवल डाकुओं का सरदार मात्र नहीं हूँ, मैंने तुम्हें माँ कहा है। इस समय तुम्हारा जिसमें लाभ होगा मैं वही कहूँगा। धन भोग तुम नहीं कर सकती क्योंकि तुम अकेली हो। ऐसी दशा में धन से तुम खूब पाप या पुण्य कर सकती हो। तुम क्या करना चाहती हो वही मैं सुनना चाहता हूँ। प्रफुल्ल, यदि कहूँ कि मैं पाप करूँगी? भवानी, तब मैं अपने आदमियों के द्वारा यह धन तुम्हारे साथ इस जंगल से बाहर भेज दूंगा। वन में मेरे बहुत से अनुचर धन के लोभ में तुम्हारे साथ पापाचार करने को तैयार हो जाएंगे। तुम्हारी पाप इच्छा होने पर मैं तुम्हें इसी क्षण यहाँ से विदा करने को बाध्य हूँगा। इस धन को मैं अपना नहीं समझता। प्रफुल्ल, मेरे साथ यदि आप मेरा धन भेज देंगे तो मेरी इसमें क्या हानि होगी? भवानी, तुम रख पाओगी इसे? तुम युवती हो, रूपवती हो, डाकुओं के हाथ से छुटकारा पा सकती हो तुम। पाप की लालसा पूरी नहीं होगी, उससे पहले ही धन समाप्त हो जाएगा। धन कितना भी क्यों ना रहे, समाप्त होने में देर नहीं करता। उसके बाद? प्रफुल्ल, उसके बाद क्या? भवानी, नरक का रास्ता साफ हो जाएगा, लालसा रहेगी और उसकी तुष्टि का साधन ना रहेगा, यही नरक का रास्ता है। पुण्य संचय करोगी? प्रफुल्ल, बाबा मैं गृहस्थ की लड़की हूँ, पाप को पहचानती भी नहीं, मैं क्यों पाप करने जाऊंगी? मैं कंगाल हूँ, मुझे रोटी कपड़े के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए। यह धन सब तुम ले लो, मेरे लिए मुट्ठी भर अन्न का प्रबंध कर देना बस। भवानी प्रसन्न होकर बोले, नहीं, यह धन तुम्हारा ही है, मैं इसे नहीं लूँगा। प्रफुल्ल आश्चर्यचकित हुई। भवानी बोले, सोचती होगी कि करता तो डकैती और लूटपाट है, फिर मेरे साथ कपट क्यों? खैर, कारण अभी तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुमने पापाचरण करना चाहा तो मैं यह धन लूट भी सकता हूँ, परंतु अभी नहीं लूँगा। एक बार फिर पूछता हूँ, यह धन लेकर तुम क्या करोगी? प्रफुल्ल, मैं देख रही हूँ कि आप ज्ञानी पुरुष हैं,
आप मुझे परामर्श दीजिए कि मैं इस धन का क्या करूं। भवानी, शिक्षा देने में 5-7 वर्ष लगेंगे। यदि चाहोगी तो मैं सिखा सकूंगा। इस बीच तुम्हें यह धन न छूना होगा। तुम्हें खाने पहनने का कोई कष्ट ना होगा। तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। परंतु मैं जो कहूँगा वह बिना विवाद मानना होगा। कहो, स्वीकार है? प्रफुल्ल, रहूँगी कहाँ? भवानी, यहीं इस घर की कुछ और मरम्मत करा दूंगा। प्रफुल्ल, यहाँ अकेले ही रहना होगा? भवानी, नहीं, मैं 2 स्त्रियाँ और भेज दूंगा। वे तुम्हारे पास रहेंगी। उनसे डरना मत। मैं इस जंगल का मालिक हूँ। मेरे रहते तुम्हारा कभी कोई अनिष्ट ना होगा। प्रफुल्ल, आपकी शिक्षा कैसी होगी? भवानी, तुम पढ़ना लिखना जानती हो? प्रफुल्ल, नहीं। भवानी, तो पहले पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। प्रफुल्ल राजी हो गई। उस जंगल में एक सहायक पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। वहां से विदा होकर भवानी ठाकुर ने बाहर आकर देखा, एक व्यक्ति उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। भवानी ने उससे पूछा, रंगराज, तुम यहाँ क्यों आए हो? रंगराज, आपको ढूंढने। आप यहाँ कैसे आए? भवानी, इतने दिनों से जो खोजता था वह आज पा गया। रंगराज, राजा? भवानी, नहीं, रानी। रंगराज, राजरानी खोजने की अब आवश्यकता नहीं रही। अंग्रेजी राज्य कायम हो गया है। सुना है कलकत्ता में हेस्टिंग्स साहब अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। भवानी, मैं क्या खोजता था तुम्हें मालूम है? रंगराज, वह पा गए? वह पाने योग्य वस्तु नहीं है, स्वयं बनाना होगा। ईश्वर लोहा बनाते हैं, मनुष्य तलवार गढ़ लेता है। अब 5-7 वर्ष गढ़ना पड़ेगा। इस घर में मेरे सिवा कोई पुरुष ना आए। लड़की युवती और सुंदर है। रंगराज, जो आज्ञा। जागीरदार के आदमियों ने रंजनपुर लूट लिया है, उसी के लिए मैं आपको खोज रहा था। भवानी, चलो हम जागीरदार को लूट कर उसका धन गांव वालों को लौटा दें। गांव वाले मदद करेंगे? रंगराज, कर सकते हैं। भवानी ठाकुर ने प्रफुल्ल के पास 2 स्त्रियां भेज दी, एक कहीं आने जाने के लिए और एक प्रफुल्ल के पास रहने के लिए। दोनों ने प्रफुल्ल को प्रणाम किया। प्रफुल्ल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? एक दूसरी स्त्री की ओर संकेत करके बोली, यह कुछ बहरी है, इसे गोबरा की माँ कहते हैं। प्रफुल्ल, गोबरा की माँ? तुम्हारे कितने लड़के हैं? गोबरा की माँ, मैं लड़की नहीं हूँ, सब लोग झूठी मुझे लड़की कहते हैं। प्रफुल्ल, तुम कौन जाति से हो? गोबरा की माँ, कर सकूँगी, जहाँ कहोगी वहीं जाऊँगी। प्रफुल्ल, तुम कौन लोग हो? गोबरा की माँ, और लोग लेकर क्या करोगी? मैं सब काम कर दूंगी। प्रफुल्ल, कौन काम ना कर सकोगी? गोबरा की माँ, पानी ना भर सकूंगी, मेरे बदन में जोर नहीं है। कपड़ा भी बेटी तुम ही धो लेना। प्रफुल्ल, और सब काम कर लोगी हैं? गोबरा की माँ, बर्तन भी तुम ही मांज लेना। प्रफुल्ल, या भी ना कर सकोगी तो करोगी क्या? गोबरा की माँ, हाँ, घर झाड़ने का काम भी अब उससे नहीं होता। प्रफुल्ल, तब तुमसे होता क्या है? गोबरा की माँ, और जो कहोगी सो करूँगी। रस्सी बटूंगी, पानी बहा दूंगी, अपनी जूठी पत्तल फेंक दूंगी, असल काम सब करूंगी, बाजार हो आऊंगी। प्रफुल्ल, दुकानदारों का हिसाब लगा लूंगी। गोबरा की माँ, बुढ़िया हो गई हूँ, अब वह नहीं होता। हाँ, जितना पैसा दोगी वह खर्च कराऊंगी। तुम यह ना कह सकोगी कि मैंने यह नहीं किया, वह नहीं किया। प्रफुल्ल, तुम्हारे जैसा गुणवान कहाँ पाऊंगी? गोबरा की माँ, या तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटी। प्रफुल्ल ने दूसरी स्त्री से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? यह नहीं जानती बहन। प्रफुल्ल, यह क्या, माँ बाप ने नाम नहीं रखा क्या? दूसरी ने कहा, रखा होगा, मुझे मालूम नहीं। प्रफुल्ल, क्यों? सुंदरी, इसकी समझ होने से पूर्व ही मैं उनसे बिछुड़ गई थी। बचपन में ही बच्चे पकड़ने वालों ने मुझे चुरा लिया था। प्रफुल्ल, उन लोगों ने भी तो कोई नाम रखा होगा। सुंदरी, कई नाम रखे। प्रफुल्ल, क्या क्या? सुंदरी, मूजली, अभागी, चुड़ैल। गोबरा की माँ बोली, जो मुझे मूजली कहे वह खुद चुड़ैल, वह स्वयं मूजली है, बांझ कहीं की। दूसरी हंसकर बोली, मैंने तुम्हें नहीं कहा? गोबरा की माँ बोली, कहा कैसे नहीं, अवश्य कहा होगा, तू मुझे क्यों गाली देती है? प्रफुल्ल हंसकर बोली, तुम्हें नहीं, मुझे कहा है। मुझे नहीं कहा तो कहने दो बेटी, क्रोध मत करना, इस ब्राह्मणे की जबान खराब है, फिर भी तुम क्रोध ना करना। गोबरा की माँ को अपने लिए उत्तेजित वीर और दूसरे के लिए शांत देखकर प्रफुल्ल और युवती खूब हंसी। प्रफुल्ल दूसरी स्त्री से बोली, तुम ब्राह्मणी हो, तब से क्यों नहीं बताया? मैं प्रणाम करती हूँ तुम्हें। वह आशीर्वाद देकर बोली, मैं ब्राह्मण की लड़की अवश्य हूँ, परंतु ब्राह्मणी नहीं हूँ। प्रफुल्ल, वह कैसे? सुंदरी,
मुझे कोई ब्राह्मण नहीं मिला। प्रफुल्ल, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? सुंदरी, बच्चे पकड़ने वाले क्या विवाह करते हैं किसी का? प्रफुल्ल, क्या तब से तुम उन्हीं के बीच रह रही हो? सुंदरी, उन्होंने मुझे एक राजा के यहाँ बेच दिया था। प्रफुल्ल, तो राजा ने तुमसे विवाह नहीं किया? सुंदरी, राजकुमार करना चाहते थे परंतु गांधर्व। प्रफुल्ल, अपने से? सुंदरी, हाँ, पर वह भी पता नहीं कितने दिन के लिए। प्रफुल्ल, फिर? सुंदरी, मैं वहाँ से भाग आई। प्रफुल्ल, फिर? सुंदरी, मैं वहाँ से रानी के गहने लेकर भागी थी। मार्ग में डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया। भवानी ठाकुर उनके सरदार थे। उन्होंने मेरी कहानी सुनकर मेरे गहने नहीं लिए बल्कि साथ में और बहुत कुछ दे दिया। उन्होंने मुझे अपने यहाँ आश्रय दिया। मैं उनकी कन्या के समान हूँ। उन्होंने एक तरह से मेरा विवाह कर दिया है। प्रफुल्ल, एक तरह से क्या मतलब? सुंदरी, मेरे सर्वस्व श्री कृष्ण भगवान हैं। प्रफुल्ल, वह कैसे? वह बोली, मेरा रूप, यौवन, प्राण सब उन्हीं को अर्पण है। प्रफुल्ल, वे तुम्हारे पति हैं? सुंदरी, जो संपूर्ण रूप से मेरे अधिकारी हैं वे वही हैं। प्रफुल्ल लंबी सांस लेकर बोली, क्या जानूं, तुमने कभी पति नहीं देखा इसी से यह कहती हो। पति देखा होता तो कृष्ण से मन ना लगता। सुंदरी, श्री कृष्ण से सब लड़कियों का मन लग जाता है। उनका रूप, यौवन, ऐश्वर्य सब कुछ अनंत है। वह भवानी ठाकुर की शिष्या थी। इस बात का उत्तर न दे सकी। अनंत जगदीश्वर हिंदुओं की हृदय में साकार श्री कृष्ण बनकर निवास करते हैं। पति और भी सीमित है, इसलिए प्रेम पवित्र हो तो पति ईश्वर प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। इसी से हिंदू स्त्रियों का पति ही परमेश्वर होता है। प्रफुल्ल बोली, बहन, यह सब मेरी समझ में नहीं आया। तुमने अपना नाम नहीं बताया। सुंदरी, भवानी ठाकुर ने निशी नाम रखा है। मैं दिवा की बहन निशी हूँ। स्त्री का देवता पति है। श्री कृष्ण सबके देवता हैं। मैं दो देवता क्यों बनाऊँ बहन? प्रफुल्ल, स्त्रियों की भक्ति का कोई अंत है क्या? निशी, स्त्रियों के प्रेम का कोई अंत नहीं है। भक्ति एक चीज़ है, प्रेम दूसरी। प्रफुल्ल, मेरे लिए तो दोनों नए हैं। मैं तो आज तक एक को भी नहीं जान पाई। प्रफुल्ल रोने लगी। निशी बोली, मालूम होता है बहन, तुमने बहुत दुख पाया है। निशी ने प्रफुल्ल के आंसू पोंछ दिए। वह बोली, मैं यह नहीं जानती थी। तब निशी ने जाना, ईश्वर भक्ति की पहली सीढ़ी पति भक्ति है। जिस रात्रि में दुर्लभ चक्रवर्ती प्रफुल्ल का अपहरण करके ले आया था, उसी रात्रि ब्रजेश्वर दुर्गापुर में प्रफुल्ल के यहाँ गया था। ब्रजेश्वर घुड़सवारी में बहुत तेज था। वह चुपचाप अंधकार में घोड़े पर रवाना हुआ था। प्रफुल्ल की झोपड़ी में जाकर उसने देखा, वहां कोई नहीं था। चारों ओर घोर अंधकार था। पड़ोसी भी कोई न मिला जिससे कुछ पूछता। सोचा, शायद किसी संबंधी के यहाँ चली गई है। पिता के डर से वह उसी समय घर लौट गया। दिन व्यतीत होने लगे। हरवल्लभ की गृहस्थी पहले जैसी ही चल रही थी। सभी खाते पीते और कामकाज करते थे। सिर्फ ब्रजेश्वर के दिन पहले की तरह सुखपूर्वक नहीं बीतते थे। शुरू में किसी को कुछ पता नहीं चला। माँ को धीरे धीरे मालूम हुआ। उसने देखा ब्रजेश्वर की थाली में मछली पड़ी रहती है, बर्तन में दूर पड़ा रहता है, खाना अच्छा नहीं बना कहकर ब्रजेश्वर थोड़ा बहुत खाकर उठ खड़ा होता था। माँ ने सोचा, लड़के को मंदाग्नि हुई है। उन्होंने पहले टोटका किया पर कोई फायदा ना देख वैद्य बुलाने का निश्चय हुआ। ब्रज ने माँ से हंसकर बात उड़ा दी पर ब्रह्म ठकुरानी ने एक रोज ब्रजेश्वर को अकेला पाकर पूछ लिया, क्यों रे ब्रज, तू आजकल नयन बहू का मुंह भी नहीं देखता, आखिर क्यों? ब्रज हंसकर बोला, मुंह एक तो अमावस्या की रात्रि है और फिर उसमें आंधी और बादल का जोर रहता है, इच्छा ही नहीं होती मुंह देखने की। ब्रह्म, खैर यह नयन बहू जाने, पर तू खाना क्यों नहीं खाता? ब्रज, तुम बनाती हो ना? ब्रह्म, मैं तो बराबर ऐसा ही बनाती थी। ब्रज, हाथ अब और मजबूत हो गए हैं। ब्रह्म, अच्छा दूध भी मैं बनाती हूँ ना, भाभी रसोई बनाने वालों का दोष है। ब्रज, गायों का दूध अच्छा नहीं रहा। ब्रह्म, तू दिन भर क्या सोचता है? ब्रज, सोचता हूँ कि कब तुम्हें गंगा ले जाऊं। ब्रह्म, बकबक ना कर, वह समय आने पर नींद के नीचे फूंक देगा। तो मुझे गंगा ले जाने के लिए तू इतना दुबला हो गया है? ब्रज, क्या यह कम चिंता की बात है? ब्रह्म, कल नदी के किनारे बैठकर तू आंखों से आंसू क्यों गिरा रहा था पगले? ब्रज, मैं रो रहा था
कि नहाते ही तुम्हारा बनाया भोजन करना पड़ेगा, इसी से आंखें भर आईं। ब्रह्म, सागर को बुलवा दूं रसोई बनाने को। ब्रज, क्यों, सागर का खाना क्या तुम जानती नहीं हो? ब्रह्म, तो फिर प्रफुल्ल को बुलवा दूं? प्रफुल्ल का नाम सुनकर ब्रजेश्वर के मुख की दशा बदली। वह बोला, वह तो बाघ भी है ना? ब्रह्म, वह बाघ भी नहीं है, यह बात झूठ है। तुम्हारे पिता समाज से डरते हैं, परंतु लड़के से तो समाज बड़ा नहीं है, मैं बात चलाऊं? ब्रज, नहीं, मैं अपने लिए पिता को समाज में बदनाम न करूंगा। उस दिन और बातें ना हुई। ब्रह्म ठकुरानी सब कुछ न समझ पाई। प्रफुल्ल रूपवती थी। उस रात्रि में ब्रजेश्वर ने देखा था कि प्रफुल्ल जैसी सुंदर थी वैसी ही मधुर भी थी। यदि प्रफुल्ल स्त्री का अधिकार प्राप्त कर वहां आ जाती तो उसके गुण सब पर छा जाते, परंतु यह हुआ नहीं। प्रफुल्ल विद्युत की तरह चमक कर सदा के लिए बादल में छिप गई, इसीलिए यह सब था। ब्रजेश्वर का हृदय प्रफुल्लमय था, उसमें अन्य किसी के लिए स्थान नहीं था। वृद्धा यह नहीं समझ सकी। कुछ दिन पश्चात फूलमणि की फैलाई हुई प्रफुल्ल के मरने की बात हरिवल्लभ यहाँ पहुंची। यहाँ समाचार आया कि प्रफुल्ल वायु श्लेष्मा से मर गई। मरने से पहले उसने अपनी मृत माँ को देखा था, यह बात ब्रजेश्वर ने भी सुनी। हरिवल्लभ ने श्राद्ध के लिए मना कर दिया। वे बोले, बागदी का श्राद्ध ब्राह्मण करेंगे? नयनतारा ने भी स्नान किया। वह बोली, एक पाप कटा, दूसरे के लिए भी स्नान कर पाऊं तो छाती ठंडी हो। कुछ दिन में ब्रजेश्वर ने खाट पकड़ ली। रोग विशेष न था, कुछ कुछ बुखार था। वैद्य की औषधि से लाभ न हुआ। ब्रजेश्वर ने प्राणों की बाजी लगा दी। अब बात छिपी ना रही। पहले वृद्धा ने समझा, फिर गृहिणी ने भी समझा। गृहिणी ने समझा तो गृह स्वामी भी जान गए। अब हरिवल्लभ की छाती पर चोट लगी। वे रोकर बोले, यह मैंने क्या किया, अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ दिया। गृहिणी बोली, लड़का ना बचेगा तो विष खा लूंगी। हरिवल्लभ ने प्रतिज्ञा की कि यदि प्रभु इस पर ब्रजेश्वर को बचा दें तो फिर उसकी इच्छा जाने बिना कोई कार्य ना करेंगे। ब्रजेश्वर बच गया। धीरे धीरे वह निरोग हो गया। एक रोज हरिवल्लभ के पिता का वार्षिक श्राद्ध था। हरिवल्लभ श्राद्ध कर रहे थे, ब्रजेश्वर भी वहां मौजूद था। उसने सुना, अंत में पंडित ने मंत्र पढ़ा, पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता हिम परमं तपः पित्री प्रीतम पन्ने प्रियंते सर्वदेवतः। ब्रजेश्वर ने यह बात रट ली। प्रफुल्ल की खातिर जब रोना आता तो मन को समझाने के लिए कहता, पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता ही परमं तपः पित्री प्रीतम पन्ने प्रियंते सर्वदेवतः। इस प्रकार ब्रजेश्वर प्रफुल्ल को भुलाने की कोशिश करने लगा। प्रफुल्ल की मृत्यु का कारण उसके पिता ही थे। वह याद आते ही ब्रजेश्वर दोहराते, पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता हिम परमं तपः। प्रफुल्ल चली गई, लेकिन ब्रजेश्वर के मन में पिता के प्रति फिर भी भक्ति दृढ़ रही। ब्रजेश्वर प्रफुल्ल को भूलने का प्रयत्न करने लगा। उसके पिता प्रफुल्ल की मृत्यु का कारण थे, यह याद आने पर ब्रजेश्वर व्याकुल हो उठता था। उधर प्रफुल्ल की शिक्षा आरंभ हुई। निशि ने उसे अक्षर ज्ञान कराया, वर्णमाला और अंक प्रफुल्ल ने उससे सीखे। इसके बाद पाठक जी ने स्वयं अध्यापन कार्य किया, पहले व्याकरण पढ़ाया। दो चार दिन पढ़ाकर वे बहुत विस्मित हुए। प्रफुल्ल की बुद्धि बहुत प्रखर थी, वह बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। उसके परिश्रम को देखकर निशि भी चकित हुई। वह दिन रात व्याकरण पढ़ती। व्याकरण समाप्त हुआ, अब प्रफुल्ल काव्य पर छा गई, उस पर भी उसका अधिकार हो गया है। रघुवंश कुमार संभव नैषध शाकुंतलम उसने पढ़े, फिर उसने योगशास्त्र का अध्ययन किया और अंत में भगवद गीता पढ़ी। 5 वर्ष में उसकी शिक्षा पूर्ण हुई। इसके साथ ही दूसरी शिक्षा भी चली। गोबरा की माँ केवल बाजार से सौदा ला देती थी, निशि की सहायता अधिक ना देती थी। प्रफुल्ल को सब काम स्वयं करना पड़ता था, इसमें उसको कोई कष्ट नहीं होता था। उसके आहार के लिए भवानी ठाकुर ने मोटा चावल नमक घी और कच्चे केले का प्रबंध किया था, निशि वही खाती थी। प्रफुल्ल को भी उसमें बहुत आनंद था, क्योंकि माँ के यहाँ वह इतना भी नहीं पाती थी। परंतु एक बात में प्रफुल्ल ने भवानी ठाकुर की बात ना सुनी। एकादशी के दिन वह मछली अवश्य खाती थी। यदि गोबरा की माँ मछली ना लाती तो वह किसी तालाब से पकड़ लाती थी। दूसरे वर्ष के आहार में प्रफुल्ल को नमक मिर्च भात और एकादशी को मछली मिलने लगी थी। तीसरे वर्ष मिठाई घी मक्खन फल इत्यादि सब कुछ मिलने लगा।
परंतु प्रफुल्ल वही नमक मिर्च और भात खाती थी। वह निशी के साथ बैठकर खाती थी। निशी भी मिठाई बहुत ना खाती थी। वह सब गोबरा की माँ को दे देती थी। चौथे वर्ष भोजन की व्यवस्था कुछ और भी हुई, परंतु प्रफुल्ल ने वही खाया जो खाती थी। पांचवें वर्ष इच्छा अनुसार खाने की आज्ञा मिली, परंतु प्रफुल्ल ने भोजन में कोई परिवर्तन ना किया। वस्त्र पहनने को भी इसी प्रकार पहले वर्ष दो धोतियाँ मिली, दूसरे वर्ष चार, तीसरे वर्ष गर्मियों में मोटे गाढ़े की धोती और जाड़ों में मलमल की, चौथे वर्ष ढाका की धोतियाँ मिली और पांचवें वर्ष इच्छा अनुसार, परंतु प्रफुल्ल मोटा गाढ़ा ही पहनती रही। पहले वर्ष केश के लिए तेल का निषेध रहा, बाल रूखे ही बांधने पड़ते थे, दूसरे वर्ष खुले रहे, तीसरे वर्ष सिर मुड़वा दिया गया, चौथे वर्ष नए केश निकले। भवानी ठाकुर ने सुगंधित तेल लगाकर संवारने की आज्ञा दी। पांचवें वर्ष इच्छानुसार केश रखने की आज्ञा मिली। प्रफुल्ल ने पांचवें वर्ष बालों को हाथ भी न लगाया। प्रफुल्ल ने अपने बदन को वायु, धूप, आग सहन करने योग्य बना लिया था। भवानी ठाकुर ने प्रफुल्ल को एक और शिक्षा प्राप्त करने को कहा। भवानी ठाकुर बोले, तुम्हें मल्ल युद्ध सीखना होगा। प्रफुल्ल लज्जा से सिर झुकाकर बोली, ठाकुर यह मैं ना सीख सकूंगी। भवानी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। प्रफुल्ल, क्यों ठाकुर, इससे मल्ल युद्ध क्यों सीखे? भवानी, इंद्रियों पर विजय पाने के लिए। प्रफुल्ल, मुझे मल्ल युद्ध कौन सिखाएगा? पुरुष से मैं ना सीखूंगी। भवानी, निशी सिखाएगी। प्रफुल्ल ने चार वर्ष तक मल्ल युद्ध भी सीखा। पहले वर्ष भवानी ठाकुर ने प्रफुल्ल के पास किसी पुरुष को नहीं जाने दिया था, ना उसे किसी पुरुष से बात करने दी थी। दूसरे वर्ष बात करने पर प्रतिबंध ना रहा। तीसरे वर्ष भवानी ठाकुर अपने चुने हुए शिष्यों को लेकर प्रफुल्ल के पास जाने लगे। वह उन लोगों से शास्त्रीय बातें करती थी। चौथे वर्ष भवानी ठाकुर अपने चुने हुए लठैतों से प्रफुल्ल का मल्लयुद्ध कराने लगे। पांचवें वर्ष सब बंधन खुल गए। अब जब वह पुरुषों से बात करती तो उन्हें अपना पुत्र समझती थी। इस प्रकार अतुल ऐश्वर्यशालिनी प्रफुल्ल भवानी ठाकुर के दिशा दर्शन में सिद्धहस्त हुई। पांच वर्ष में सब शिक्षा प्राप्त हुई। एकादशी के दिन मछली खाने के अतिरिक्त प्रफुल्ल ने भवानी ठाकुर की जो बात ना मानी वह था उसका परिचय। भवानी ठाकुर पूछ कर भी कुछ ना जान पाए। पांच वर्ष का अध्ययन समाप्त कर भवानी ठाकुर प्रफुल्ल से बोले, पांच वर्ष की तुम्हारी शिक्षा समाप्त हुई, अब तुम अपना धन अपनी इच्छा से व्यय करो। मैं ना रोकूंगा, मैं केवल राय दूंगा, उसे तुम मानना या ना मानना। अपने खाने पहनने का प्रबंध अब तुम स्वयं करना। अब तुम कौन सा मार्ग अपनाओगी? प्रफुल्ल, कर्म करूंगी, ज्ञान मेरे लिए नहीं है। भवानी, ठीक है, मैं यह सुनकर प्रसन्न हुआ, किंतु कर्म अनासक्त होकर करना। अनासक्ति क्या है तुम जानती हो? इसका प्रथम लक्षण है इंद्रिय संयम, यह मैंने गत पांच वर्षों में तुम्हें सिखाया है। दूसरा लक्षण है निरहंकार, इसके बिना धर्मावरण नहीं हो सकता। शान अहंकार है, जो कुछ करो अपने गुण से हुआ है यह मत सोचना। तीसरा लक्षण कर्म का फल श्री कृष्ण को अर्पण कर देना है। अब बताओ माँ, इस धनराशि का क्या करोगी? प्रफुल्ल, जब मैंने अपना सब कर्म श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया तो यह धन भी उन्हीं के चरणों पर अर्पित है। भवानी, सब का सब? प्रफुल्ल, और क्या? भवानी, परंतु ऐसा करके कर्म में अनासक्त ना हो सकोगी। यदि आहार के लिए तुम्हें उद्योग करना पड़ा तो आसक्ति होगी, तब या तो भिक्षावृत्ति अपनानी होगी या इस धन से अपना काम चलाना होगा। भिक्षा में भी आसक्ति है, इसलिए तुम इस धन से ही काम चलाना, शेष सब श्री कृष्ण को अर्पण करना। परंतु उनके चरणों में यह धन पहुंचेगा कैसे? प्रफुल्ल, वे सर्वभूत में स्थित है, मैं सर्वभूत में इसका वितरण करूंगी। भवानी, ठीक है, भगवान ने यही कहा है। भवानी, परंतु दान करने के लिए बड़े कष्ट और बड़े श्रम की आवश्यकता होती है, वह तुम कर सकोगी? प्रफुल्ल, मैंने इतने दिन सीखा ही क्या है? भवानी, उस कष्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ दुकानदारी भी करनी पड़ती है, कुछ वेश, कुछ भोग, कुछ ठाट की आवश्यकता होती है, उसमें बड़ा कष्ट है, वह सह सकोगी? प्रफुल्ल, वह किस प्रकार? भवानी, सुनो, मैं डकैती करता हूँ, तुम्हें बता चुका हूँ। प्रफुल्ल, इस धन में से कुछ आप भी ले लें और यह दुष्कर्म त्याग दें। भवानी, मेरे पास काफी धन है, मैं धन के लिए डकैती नहीं करता। प्रफुल्ल, फिर किस लिए करते हैं? भवानी, मैं राज्य करता हूँ। प्रफुल्ल, डकैती से राज्य कैसे होता है?
भवानी, जिसके हाथ में राजदंड होता है वही राजा है। प्रफुल्ल, राजदंड तो राजा के हाथ में होता है। भवानी, इस देश में कोई राजा नहीं है, यवन समाप्त हो गए, अंग्रेज अभी आए नहीं, मैं यहाँ राजा बनकर दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करता हूँ। प्रफुल्ल, क्या आप ऐसा डकैती करके करते हैं? भवानी, सुनो, समझाता हूँ। भवानी ने देश की दुर्दशा का वर्णन किया, जमींदारों के अत्याचार बताए। उन्होंने बताया वे बाकीदारों के घर लूटते हैं, वे बच्ची के पैर पकड़कर पटक देते हैं, युवकों की छाती बीन देते हैं, वृद्धों का वध कर देते हैं, युवतियों को कचहरी में ले जाकर नंगी कर देते हैं, मारते हैं, उनके स्तन काट डालते हैं और उनका अपमान करते हैं। मैं उन दुरात्माओं को दंड देता हूँ, अनाथ दुर्बलों की रक्षा करता हूँ। कैसे करता हूँ यह तुम 2 दिन मेरे साथ रहकर देख लो। प्रफुल्ल का हृदय यह सुनकर भर आया। वह भवानी ठाकुर को धन्यवाद देकर बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कुछ धन उन दुखियों को भी दे आऊंगी। भवानी, मैं कह रहा था इन्हीं कामों में दुकानदारी करनी चाहिए। मेरे साथ चलना है तो जरा ठाट से चलना, सन्यासिनी बनकर यह काम ना होगा। प्रफुल्ल, मैंने कर्म श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया है, उनके काम के लिए जो करना होगा करूंगी। भवानी ठाकुर की इच्छा पूर्ण हुई। वह दल के साथ डकैती को निकले तो प्रफुल्ल धन का घड़ा लेकर साथ चली, निशी भी उनके साथ गई। भवानी ठाकुर ने 5 वर्ष तक शान पर चढ़ाकर प्रफुल्ल को तीक्ष्ण धार वाला अस्त्र बना लिया था। पुरुष होता तो अच्छा होता, परंतु प्रफुल्ल जैसे गुणों वाला पुरुष नहीं मिला। इतना धन भी किसी के पास ना था, धन की मार भी बहुत तीक्ष्ण होती है। भवानी ठाकुर ने एक भूल की, प्रफुल्ल एकादशी के दिन मछली क्यों खाती थी इस बात पर ध्यान देकर विचार नहीं किया। खैर, अब प्रफुल्ल कर्म शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ी। बागड़ी की लड़की कहकर हरिवल्लभ द्वारा प्रफुल्ल को निकाले गए आज 10 वर्ष हो गए थे। हरिवल्लभ राय के दिए 10 वर्ष अच्छे नहीं बीते। जागीरदार देवी सिंह का अत्याचार और ऊपर से डाकुओं का आतंक था। हरिवल्लभ के ताल्लुके का रुपया डाकुओं ने लूट दिया और देवी सिंह का लगान नहीं गया। देवी सिंह ने ताल्लुका नीलाम करा लिया। हेस्टिंग्स तथा गोविंद सिंह की कृपा से सरकारी कर्मचारी देवी सिंह के दास थे। हरिवल्लभ का 10,000 का ताल्लुका देवी सिंह ने 2,500 रुपये में खरीद लिया था। शेष लगान भी नहीं चुका, देनदारी बढ़ने लगी। देवी सिंह से तंग आकर और जेल के भय से हरिवल्लभ ने दूसरी संपत्ति गिरवी रखकर ऋण चुकाया। इससे आय बहुत घट गई और खर्च कुछ भी घटा नहीं। हरिवल्लभ की पूजा, उत्सव, अन्य कर्म, दान धर्म, लाठीबाजी पहले की ही तरह रहे। डाकुओं के खजाना लूटने के बाद लठैत कुछ और बढ़ाने पड़े, खर्च का पूरा नहीं पड़ता था। सरकारी खजाने की कई किस्तें शेष रह गईं। जो संपत्ति बची थी उसके भी बिक जाने की नौबत आ गई। ऋण पर ऋण लगता जा रहा था, सूद असल के बराबर हो गया था। 50,000 रुपया देवी सिंह का शेष रह गया। हरिवल्लभ रुपये का प्रबंध न कर सके। हरिवल्लभ राय की गिरफ्तारी का परवाना निकल गया। ब्रजेश्वर रुपये के लिए अपनी ससुराल गया तो उसके ससुर बोले, भैया मेरा रुपया तुम्हारे लिए ही है, मेरा और है ही कौन, परंतु यह जब तक मेरे पास है तब तक मेरा है। तुम्हारे बाप को दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? महाजन सब ले लेंगे, तुम अपना धन क्यों नष्ट करना चाहते हो? ब्रजेश्वर बोला, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, अपने बाप को बचाना मेरा धर्म है। ससुर बोले, तुम्हारे बाप के बचने से मेरी बेटी को क्या लाभ? रुपया रहने से मेरी बेटी का दुख दूर होगा, ससुर के रहने से नहीं। यह सुनकर ब्रजेश्वर को बहुत क्रोध आया। वह बोला, तो आपकी लड़की रुपया लेकर रहे, दामाद की आपको क्या आवश्यकता है? मैं सर्वदा के लिए विदा होता हूँ। तब सागर के पिता ने लाल आंखें करके ब्रजेश्वर का और अपमान किया। ब्रजेश्वर ने भी कड़ा उत्तर दिया, उसने चलने की तैयारी की। यह सुनकर सागर भयभीत हुई। सागर की माँ ने दामाद को अंदर बुलाया, बहुत समझाया परंतु सब व्यर्थ। एकांत में ब्रजेश्वर की सागर से भेंट हुई। उसने ब्रजेश्वर के पैर पकड़कर कहा, एक दिन ठहरो, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। ब्रजेश्वर ने क्रुद्ध होकर पैर खींच लिए। पैर खींचने में कुछ जोर से सागर को पैर लग गया। सागर ने समझा पति ने लात मारी, वह पैर छोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मुझे लात मार रहे हो? ब्रजेश्वर ने लात मारी नहीं, लग गई, यह कह देने से ही बात समाप्त हो जाती, परंतु वह क्रुद्ध था इसलिए सागर की त्योरी देखकर उसका क्रोध भड़क गया। वह बोला, यदि मारकी है तो क्या हुआ, मेरा पैर तुम्हारे बाप ने भी एक दिन पूजा था। सागर क्रोध में अपने आप को भूल गई। वह बोली, मैं उसका प्रायश्चित करूंगी।
ब्रजेश्वर, तो तुम बदले में लात मारोगी? सागर, मैं इतनी नीच नहीं हूँ, परंतु यदि ब्राह्मण की बेटी हूँ तो मेरा पैर। सागर की बात पूरी भी ना हुई थी कि पीछे से किसी ने कहा, नौकर की तरह दबाओगे। सागर भी शायद यही कहने जा रही थी। उसने बिना सोचे समझे कह दिया, गोद में रखकर नौकर की तरह दबाओगे। ब्रजेश्वर बोला, तो मेरा यह प्रण है कि जब तक यह स्थिति पैदा ना होगी तब तक तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। प्रतिज्ञा भंग करूं तो ब्राह्मण नहीं। यह कहकर ब्रजेश्वर चला गया। सागर रोने लगी। तभी नौकरानी वहां आई। उसे देख सागर ने उससे पूछा, खिड़की से तू बोली थी क्या? नौकरानी, नहीं मैं तो कुछ नहीं बोली। सागर, तब खिड़की पर कौन था? तभी एक रूपवती और तेजस्वनी स्त्री ने कमरे में प्रवेश किया। वह बोली, खिड़की पर मैं थी। तुम कौन हो? सागर ने चकित होकर पूछा। स्त्री, क्या तुम भी मुझे नहीं पहचानती? सागर, नहीं, तुम कौन हो? मैं देवी चौधरानी हूँ, वह स्त्री बोली। नौकरानी कांपती हुई बैठकर रोने लगी। देवी चौधरानी बोली, चुप रह हरामजादी, रोई तो जबान खींच लूंगी। नौकरानी सिसकती हुई खड़ी हो गई। सागर को भी पसीना आ गया था। वह चुपचाप उसकी ओर देख रही थी। जो नाम उन्होंने सुना उसे बच्चा बूढ़ा कौन नहीं जानता था। बड़ा भयानक नाम था। परंतु तभी सागर हंस पड़ी। देवी चौधरानी के चेहरे पर भी मुस्कान खेल उठी। दोनों फिर बहुत देर तक ध्यानपूर्वक एक दूसरे की ओर देखती और बातें करती रहीं। वर्षा काल की चांदनी रात थी। त्रिसोता नदी में बाढ़ आ रही थी। चंद्रमा की किरणें नदी की लहरों पर चमक रही थी। किनारे से कुछ दूर एक बजरा बंधा था। बजरे से कुछ दूर एक नाव थी। एक ओर बांसों पर पाल बिछा था, उस पर मल्लाह सो रहे थे। बजरे की छत पर भी कोई था। छत पर एक गलीचा बिछा था, वह बहुत सुंदर था। उस पर चित्र बने थे। गलीचे पर एक स्त्री बैठी थी। उसके बालों पर चांद की किरणें पड़ रही थीं। बालों की सुगंध से आकाश भर उठा था। जूही का गजरा उसके बालों में बंधा था। रमणी साक्षात सरस्वती के समान वीणा बजा रही थी। चंद्रमा की किरणें युवती के अलंकारों पर नृत्य कर रही थीं। एकाएक उसके कर्ण कुंडल हिल उठे। सर्प जैसे उसके केश लहराने लगे। वीणा पर नट रागनी बजी और पाल पर सोए हुए मल्लाहों में से एक जाग उठा। वह चुपचाप आकर सुंदरी के पास खड़ा हो गया। उसने पूछा, क्या हुआ? स्त्री, दिखाई नहीं पड़ा? पुरुष आ रहा है क्या? स्त्री ने पुरुष को एक दूरबीन उठाकर दी। उसने दूरबीन से चारों ओर देखा। उसे एक बजरा दिखाई पड़ा। वह बोला, देख वही है। इधर और किसी बजरे की आने की बात तो नहीं थी। पुरुष फिर दूरबीन से इधर उधर देखने लगा। युवती बोली, रंगराज आज्ञा, क्या देख रहे हो? देखता हूँ कितने लोग हैं। कितने हैं? ठीक से पता नहीं चल रहा, पर अधिक नहीं है। ठीक है, नाव खोलो और अंधेरे अंधेरे चुपचाप चले जाओ। रंगराज ने कड़क कर कहा, नाव खोलो। उस नाव पर 50 आदमी सोए हुए थे। रंगराज की आवाज़ सुनकर वे सब उठ बैठे। उन्होंने अपने अपने हथियार संभाल लिए। सब तैयार होकर बैठ गए। नाव चुपचाप खुलकर बजरे से आ लगी। रंगराज हथियारों से सज्जित होकर उस पर सवार हो गया। युवती बोली, रंगराज जो मैंने कहा याद रखना। याद है, कहकर वह नाव पर बैठ गया। नाव चुपचाप किनारे किनारे बढ़ चली। जो बजरा रंगराज ने देखा था वह बहता हुआ निकट आ गया था। नाव को बहुत दूर नहीं जाना पड़ा। बजरे के पास पहुंचकर नाव किनारा छोड़कर उस बजरे की ओर चली। शोर जरा भी नहीं हो रहा था। बजरे की छत पर 8 सिपाही थे। उनमें 2 व्यक्ति हथियार बंद थे। शेष 6 वायु का आनंद ले रहे थे। वे सो रहे थे। पहरे वालों में से एक ने नाव को बजरे के निकट आते देखा। वह चिल्लाया, नाव दूर रखो। रंगराज बोला, तुम दूर रखो अपना बजरा। पहरेदार ने धमकाने को गोली दागी। रंगराज हंसकर बोला, क्या पांडे जी के पास एक छर्रा भी नहीं है? लो मुझसे ले लो। यह कहकर रंगराज ने पहरेदार को निशाना बनाया, परंतु तुरंत ही बंदूक नीची करके कहा, अभी तुझे मारूंगा नहीं, केवल तेरी लाल पगड़ी उड़ाऊंगा। यह कहकर रंगराज ने पहरेदार को निशाना बनाया, परंतु तुरंत ही बंदूक नीची करके कहा, अभी तुझे मारूंगा नहीं, केवल तेरी लाल पगड़ी उड़ाऊंगा। उसने बंदूक रखकर एक तीर चलाया, जिससे उसकी लाल पगड़ी उड़ गई। पहरेदार भयभीत हो उठा। नाव बजरे के पीछे लग गई। 10-12 आदमी बजरे पर चढ़ गए। सोए हुए 6 पहरेदार बंदूक की आवाज सुनकर उठ तो गए थे, परंतु नींद में ही आक्रमणकारियों ने उन्हें बांध लिया। जगने वालों ने लड़ाई की,
परंतु बहुत साधारण। शीघ्र ही उन्हें भी बांध लिया गया। बजरे में प्रवेश करना चाहा तो उसका द्वार बंद था। बजरे के अंदर ब्रजेश्वर थे। वे ससुराल से घर लौट रहे थे। रास्ते में यह आफत आ गई। रंगराज द्वार खटखटाते बोला, दरवाजा खोलो महाशय। ब्रजेश्वर बोला, कौन है? रंगराज ने कहा, कोई बात नहीं, बजरे पर डकैती हुई है। ब्रजेश्वर तनिक स्तब्ध रहे, फिर पुकारा, पांडे, तिवारी, राम सिंह। राम सिंह ने छत पर से ही उत्तर दिया, धर्मावतार हम सबको बांध रखा है। ब्रजेश्वर हंसकर बोला, बड़े दुख की बात है जो तुम्हारे जैसे बहादुरों को भी बांध लिया। डाकुओं ने बहुत बड़ा अपराध किया। अच्छा, घबराओ नहीं, कल तुम्हारा प्रबंध होगा। रंगराज भी हंसकर बोला, मेरी भी यही राय है, अब आप द्वार खोलिए। ब्रजेश्वर, तुम कौन हो? रंगराज, मैं डाकू हूँ और आपसे द्वार खोलने की प्रार्थना करता हूँ। ब्रजेश्वर, मैं द्वार क्यों खोलूं? रंगराज, हम लोग आपको लूटेंगे। ब्रजेश्वर, क्या मुझे भी तुमने पहरेदार समझा है? मेरे हाथ में दुनाली बंदूक है, जो पहले घुसेगा उसे जान से मार दूंगा। रंगराज, एक आदमी नहीं घुसेगा, आप अपनी बंदूक से कितनों को मारेंगे? फिर आप ब्राह्मण हो और मैं भी ब्राह्मण हूँ, एक और ब्रह्महत्या होगी, व्यर्थ ब्रह्महत्या से क्या लाभ? ब्रजेश्वर, तो मैं ही वह पाप करूंगा। दो डाकू उसी समय बगल का द्वार तोड़कर अंदर घुस गए। ब्रजेश्वर ने बंदूक घुमाकर उनको मारी तो उनमें से एक गिर पड़ा। तभी रंगराज ने सामने के द्वार पर दो लात मारी, द्वार टूट गया। रंगराज अंदर घुसा। ब्रजेश्वर रंगराज को निशाना बनाने लगे तो रंगराज ने बंदूक छीन ली। दोनों बलवान थे, परंतु रंगराज अधिक फुर्तीला था। ब्रजेश्वर फुर्ती से तलवार खींच कर बोला, देखो ठाकुर, मुझे ब्रह्म हत्या का भय नहीं है, यह कहकर वह रंगराज पर झपटा। तभी टूटे हुए द्वार से चार पांच डाकू और आ गए। उन्होंने ब्रजेश्वर के हाथ से तलवार छीन ली। दो डाकुओं ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। एक डाकू रस्सी लेकर बोला, बांधना पड़ेगा क्या? ब्रजेश्वर बोला, बांधना नहीं, मैं हार मानता हूँ। क्या चाहते हो? बोलो, मैं देता हूँ। आपके पास जो कुछ भी है सब लूंगा। पहले शायद कुछ छोड़ देता, अब एक पैसा भी ना छोड़ूंगा। ब्रजेश्वर, जो बजरे में है ले जाओ, मैं बाधा नहीं डालूंगा। डाकुओं ने सामान उठाना शुरू कर दिया। अब लगभग 25 आदमी बजरे पर थे। सामान कुछ था नहीं, पहनने के कपड़े, पूजा के बर्तन बस। तब ब्रजेश्वर बोला, सब ले चुके, अब जाओ। रंगराज बोला, जाता हूँ, परंतु आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। ब्रजेश्वर, मुझे कहाँ जाना होगा? रंगराज, हमारी रानी के पास। ब्रजेश्वर, तुम्हारी रानी कौन है? रंगराज, हमारी राजरानी। ब्रजेश्वर, वे हैं कौन? क्या डाकुओं की भी राजरानी होती है? रंगराज, देवी रानी का नाम नहीं सुना तुमने? ब्रजेश्वर, तो तुम लोग देवी चौधरानी के दल के हो? रंगराज, दल क्या, हम रानी जी के सेवक हैं। ब्रजेश्वर, जैसी रानी वैसे ही सेवक, परंतु मुझे उनके दर्शन करने क्यों जाना होगा? क्या मुझे बंदी बनाकर कुछ वसूल करना चाहते हो? रंगराज, बजरे पर कुछ नहीं मिला, आपको रोकने से शायद हमें कुछ मिले। ब्रजेश्वर, चलो, मेरी भी चलने की इच्छा है। सुना है तुम्हारी रानी देखने योग्य है, वे युवती है ना? रंगराज, वे हमारी माँ हैं, संतान अपनी माँ की आयु का लेखा जोखा नहीं रखती। ब्रजेश्वर, सुना है वे बहुत रूपवती हैं। रंगराज, हमारी माँ देवी के समान है। ब्रजेश्वर, चलो, मैं भी देवी के दर्शन कराऊं। ब्रजेश्वर रंगराज के साथ बाहर निकला। बजरे के मल्लाह भय से पानी में कूद पड़े थे। ब्रजेश्वर उनसे बोले, तुम लोग बजरे पर आओ, डरो नहीं, अपने अल्लाह का नाम लो, तुम लोगों का सब कुछ सुरक्षित है। मल्लाह बजरे पर चढ़ गए। ब्रजेश्वर रंगराज से बोला, मेरे पहरेदारों के बंधन खोल दो। रंगराज बोला, यदि इन्होंने खुलकर हम पर आक्रमण किया तो हम आपका सिर काट लेंगे, आप इन्हें यह समझा दें। ब्रजेश्वर ने पहरेदारों को समझा दिया, उन्हें आदेश दिया, तुम लोग यहीं रहना, कहीं जाना नहीं, मैं अभी लौट कर आता हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए कृपया भाग 3 जरूर सुनें। धन्यवाद।